हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द टैरोट वाइब। सो गाइस, आज मैं एक बहुत बेस्ट टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए कि आपकी मैनिफेस्टेशन कैसे पूरी हो, आपकी जो भी विश है वो आप कैसे पूरी कर सकते हैं, कैसे सही तरीके से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो गाइस, मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत ईजी वे है। आपको ब्रह्म मुहूर्त तो पता होगा, ओके, सभी को ब्रह्म मुहूर्त पता है। ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। यूनिवर्स उस टाइम पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ओके, सो यहाँ पर सुबह सुबह मॉर्निंग में 10 मिनट का ऐसा टाइम होता है जिसमें हमारी जो भी विश है, जो भी मैनिफेस्टेशन है, वो फुलफिल हो सकती है अगर हम उसे सही तरीके से मैनिफेस्ट करें तो। ओके, बट गाइस, सभी को पता तो है ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, बट उन्हें ये नहीं पता है कि उस चीज़ को मैनिफेस्ट कैसे करें, अपनी जो मैनिफेस्टेशन है, अपनी जो विश है, उसे मैनिफेस्ट कैसे करें। ओके, सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि आपको सही तरीके से मैनिफेस्ट कैसे करना है अपनी विश। ओके, सो गाइस, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट ज़रूर करें। ओके, सो गाइस, यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ मैनिफेस्टेशन का सही तरीका। ओके, सो फर्स्ट आप क्या कीजिए, मॉर्निंग में किस ब्रह्म मुहूर्त का टाइम तो मॉर्निंग में ही होता है, सो आपको मॉर्निंग में दो टाइम रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त के। ओके, पाँच पाँच मिनट के दो टाइम रहते हैं। तो फर्स्ट टाइम होता है 3:15 से लेकर 3:20। ओके, एंड जो नेक्स्ट टाइम होता है 3:20 से लेकर 3:25। ओके, सो ये 10 मिनट का टाइम होता है। ओके, सो इसमें हम कैसे मैनिफेस्ट करें, जो फर्स्ट स्टार्टिंग का जो 5 मिनट होता है, जो पहला 5 मिनट होता है, उसमें आप यूनिवर्स को थैंक्स कीजिए। ओके, उन्हें शुक्रिया अदा कीजिए, आपको जो लाइफ मिली है, आप इस लाइफ में हो, उस चीज़ के लिए आप, जो भी आपके पास है, उन सब चीज़ों के लिए आप उन्हें थैंक्स कीजिए। ओके, एंड जो सेकंड, जो नेक्स्ट 5 मिनट है, उसमें आप अपनी विश मांगे, जो भी आपकी विश है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो हो सकता है आपके लाइफ से, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके रिलेशन से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, कुछ भी। ओके, सो आप नेक्स्ट 5 मिनट में अपनी विश मैनिफेस्ट कीजिए। ऐसा आपको करना है 51 डेज़। अगर आप 51 डेज़ कंटिन्यू करते हैं बिना रुके, बिना एक भी दिन गैप लिए, सो उसके बाद आपकी जो भी विश है, जो भी मैनिफेस्ट आपने किया है, वो ज़रूर पूरा होगा। ओके, बट आपको उस माइंड से भी करना है, उतना श्रद्धा भक्ति से भी करना है, उतना यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके करना है चाहिए। जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं वो चीज़ें आपको भी आपके अंदर से आनी चाहिए। ओके, तभी ये चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। ओके, सो गाइस, ज़रूर मैनिफेस्ट कीजिए, एंड जो भी आपको इसका रिजल्ट मिलता है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। ओके, एंड अगर आप इससे रिलेटेड और भी कोई वीडियोस चाहते हैं, अगर आपकी कोई विश है जो पूरी नहीं हो रही है एंड आप चाहते हैं कि उसका क्या तरीका होना चाहिए पूरा करने का, या कोई वे होना चाहिए कैसे मैनिफेस्ट करें, सो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। मैं आप, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।